हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है दरवाज़ों पर गेंदे के फूल से डेकोरेशन करने के साथ। घर की लाइट मैंने एक दिन पहले ही लगा दी थी, इस बार मैंने लाइट्स बिना चेक किए ही लगाई हैं। तो अभी इसमें ये भी डाउट था कि कौन सी जलेंगी कौन सी नहीं। दोपहर में हमारे घर गेस्ट आ गए थे, तो हमें पूजा की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पर मम्मी फटाफट मंदिर के लिए डेकोरेशन कर रही हैं। अभी मंदिर में लाइट्स लगाना बाकी है, जो कि भैया लगाएगा। उसके बाद मुझे रंगोली बनाना था, तो मैंने अपने कलर्स निकाल के रख लिए थे। इस बार ही मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी सिंपल रंगोली ही बनाऊंगी, क्योंकि हर साल मैं बहुत बड़ी रंगोली बनाती थी तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता था। लेकिन इस बार ही मेरे पास उतना टाइम था नहीं, क्योंकि मुझे रंगोली स्टार्ट करने में ही 4 बज गए थे। मैं अपनी रंगोली के लिए अबीर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि रंगोली के कलर्स मुझे काफ़ी डल लगते हैं। बट इस बार मार्केट में मुझे काफ़ी ब्राइट कलर्स दिखे रंगोली के, सो मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल यूज़ देम। और यहाँ पर वाइट बॉर्डर देने के लिए मैंने चावल के आटे का यूज़ किया है। अगर आपको अभी तक की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी रंगोली आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो रंगोली के लिए मैंने ये डिज़ाइन वाला दिया लिया था, जिसकी वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी पोस्ट की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने दिए में बाती और तेल डालकर उसे तैयार करके रख लिया, ताकि जैसे ही हमारी पूजा हो हम इन्हें जलाकर रंगोली को डेकोरेट कर दें। और ये सिंपल वाले दिए हैं जिन्हें पानी से निकालकर हमने यहाँ रखा था। उसके बाद यहाँ मम्मी की पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी और उन्होंने दिए में बाती लगाना शुरू कर दिया था। हमारी हर साल की दिवाली काफ़ी सिंपल होती है, बट इस साल की दिवाली हमारे लिए काफ़ी खास थी। ड्यू टू सम रीजंस हमने पिछले 2 साल की दिवाली नहीं मनाई, तो इस साल दिवाली की डेकोरेशंस करके मंदिर को सजा के काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मंदिर में लाइट लग गया है और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है, आप कमेंट करके बताओ आपका क्या है। दिवाली के टाइम यू कैन फील पॉजिटिव वाइब्स एवरीवेयर, इवन आपको अपने अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, जो कि मुझे तो होती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ओके, अब ज़्यादा ज्ञान न देते हुए लेट्स फर्दर मूव टू द वीडियो। सो उसके बाद हमने अपनी पूजा स्टार्ट की, दिया जलाना स्टार्ट किया। और यहाँ पर लिली बहुत ही कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारी लाइटनिंग्स क्यों है। लेकिन वो यहाँ पर नाक लगाकर भगवान का भोग सूंघे जा रही थी, उसको पता था यहाँ कुछ खाने का रखा है जो उसको भी मिलेगा, तो इसलिए वो भी बहुत पेशेंस के साथ पूजा करने बैठी थी पापा के साथ। तो दिवाली के टाइम में हमारे लिए ये ठीक है कि लिली को पटाखों से डर नहीं लगता है। सही बता रहे हैं, जितने पटाखे बाहर फूटते हैं उससे ज़्यादा पटाखे ये अपने मुंह से फोड़ देती है, मतलब कि ये इतना तेज भौंकती है कि हमें पटाखों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर पूजा होने के बाद मैंने सबसे पहले रंगोली में दिए लगाए। आप बताइए आपको दिवाली की सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है। मुझे तो दिवाली की सबसे खास चीज़ दिवाली की लाइटनिंग और रंगोली बनाना लगती है। और ये देखिए, सारे दिए लगने के बाद मेरी रंगोली कितनी प्यारी लग रही है। और मेरी रंगोली में मैं सेंटर में गणेश जी ज़रूर बनाती हूँ और वहाँ पे कलश वाला दिया रखती हूँ। उसके बाद हम दिए की थाली लेकर छत पर गए, क्योंकि हमें छत पर भी दिए लगाने थे। और ये देखिए, रात में सबके घरों की लाइटनिंग कितनी सुंदर लग रही है। और हमारा घर रात में कुछ ऐसा लग रहा था, और जैसा कि मुझे लगा ही था, कुछ लाइट्स की लरी नहीं जल रही थी और कुछ लाइट्स जो पुरानी हो गई थी उनका कलर भी चेंज हो गया था। छत पर काफी तेज हवा चल रही थी, तो दिए बार बार अपने आप बुझ जा रहे थे। उसके बाद हमारा डिनर भी काफी सिंपल ही था, जिसमें मम्मी ने बनाया था मटर का छोला, खीर जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, और ओल का चोखा जो कि मैंडेटरी है, ग्रीन चटनी, और मैंने लिया था 2 रोटी। उसके बाद बेड पर मेरे सारे टेडी बियर्स पड़े थे, तो लिली उनके साथ खेलने लगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर दिवाली।